इस वक्त जो अहम खबर है वो ये है कि मेलिटोपोल में रूसी सेना ने गोलीबारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मेलिटोपोल में रूसी सेना ने गोलीबारी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर गोलीबारी जो हुई है वो फौज की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि ये यूक्रेन के हवाले से खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रूस से जब आप बात करेंगे तो वो कहता है कि देखिए उधर से अगर अटैक आएगा तो रिटेलिएट हम भी करेंगे। और मेलिटोपोल की तस्वीरें देखिए, ये गोलीबारी की आवाज भी आपको सुनाई पड़ रही है। लोग हाथों में यूक्रेनी झंडे लेकर यहां पर सड़कों पर हैं, लेकिन इन सब के बीच में गोलीबारी जो है उसकी आवाज आप सुन सकते हैं। नया कोई दम हुआ, नया कोई दम हुआ। तो हमारे साथ जो मेहमान है उनसे हम बातचीत करेंगे और इसको लेकर आप पीके श्रीवास्तव सर, ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहां पर नजर आ रहा है कि लोग सड़कों पर हैं और ये शायद हवाई फायर है जो ये किया जा रहा है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से लोग सड़कों पे हैं और जो आपने पिछला चित्र भी दिखाया था कि वो टैंक के सामने खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं यूक्रेनियंस इस पार्ट में आश्वस्त हैं कि रूसी सेना उनके ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप रियली इसको उस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, इसमें रूस को ही इस चित्र से महत्व मिलता है कि वो वहां की जनता को हताहत नहीं करना चाहते हैं। और इस इलाके में आपने देखा उन्होंने 6 घंटे का कॉरिडोर भी दिया है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी दिया है, और ये बोला गया आप जाना चाहते जा सकते हैं, लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में कि वहां जो भी लड़ाई हो रही है वो कैलिब्रेटेड तरीके से हो रही है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को विल टू फाइट जो है उसको खत्म करने के लिए हो रही है। नहीं, लेकिन संजय मेसन सर, जब खबरें लगातार हम देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि जो वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं वो कहते हैं कि देखिए ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, गोलीबारी सुनाई पड़े लेकिन लोग डर नहीं रहे। डर नहीं रहे इसका मतलब उन पर फायरिंग नहीं हो रही है, वो आश्वस्त है जो बात यहाँ श्रीवास्तव सर कह रहे हैं। और देखिए इसमें एक चीज ये समझनी है कि ये वाला जो इलाका है, ये तकरीबन ये वाला जी, ये है डॉनबास का इलाका जिसमें ये मेलिटोपोल भी शामिल है। रानी की बात यह है कि ये आज 10वां दिन है जी, और डॉनबास के इलाके से ही लड़ाई शुरू हुई थी, ईस्टर्न इलाके से। अभी तक यहाँ कोई भी शहर का अभी तक कंफर्म्ड कैप्चर नहीं आया, सिर्फ उसको दिखाया कि घेराबंदी की है, सिर्फ ये यहाँ पर खेरसों में और जो ये न्यूक्लियर प्लांट है ज़ापोरिज़्या में उसका कैप्चर आया है। तो यहाँ की जो आम जनता है वो है रूसी, मतलब उनका रूसी अलाइनमेंट ज्यादा है, रूसी भाषा बोलते हैं। तो जो कॉरिडोर जो दो खोले हैं, ये जो आपके मरियापोल में और ये तो जो ये भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं मेलिटोपोल की, ये इलाका कहाँ पड़ता है? यहाँ पर है मेलिटोपोल, ये है एग्जैक्टली ये रहा, यानी क्रीमिया के आसपास। हाँ, तो वो सी ऑफ वर्म्स के ऊपर है, वो वहां पर आपके मैप में भी ये दिख रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें, ये रहा मेलिटोपोल जी, उसको हमें ये यहाँ पर है जी सर, ये तटवर्ती नीचे जाइए, सी ऑफ वजफ की तरफ जाइए। अच्छा, ये इलाका जो है ये मेलिटोपोल का पड़ता है, सी ऑफ वजफ के ऊपर है जी। तो यही मैं सारा बता रहा हूँ कि ये जो भी इलाका है ये बेसिकली डॉनबास, और यहाँ पर प्रेडोमिनेंटली रशियन रिबेल्स हैं और रशियन लोग हैं, और इसलिए ये जो दो यहाँ पर ये जगह खोली है वोल्नोवखा और मरियोपोल जी, ये यहाँ पर रोस्तोव प्रोविंस है रशिया का जी। तो ये इधर से इन लोग को यहाँ निकाला जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है जी, वो अमूमन तौर पे लोकली कनेक्टेड होनी चाहिए यहाँ पर रूस के पास, इसलिए बॉर्डर खोला जा रहा है। सवाल उठता है कि ये जो खार्किव है और जो सुमी है, जहाँ पर हमारे इंडियन खासकर स्टूडेंट्स हैं जी, और ये तो बिल्कुल नजदीक है, 50 किलोमीटर है यहाँ से। आप चाहें तो इधर भी आ सकते हैं सर, हम यहाँ आकर बेहतर समझ सकते हैं एक बार। ये इलाका जो है आप बता रहे हैं, यहाँ पर भारतीय बच्चे बड़ी संख्या में, ये जो सुमी है और खार्किव है, आज की तारीख में जो सीज फायर होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए कि तकरीबन जो भी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, तकरीबन 1800 बच्चे इधर हैं, इधर भी मेरे ख्याल 700-800 बच्चे हैं जी। तो इधर भी सीज फायर होना नियति जरूरी है, सेफ कॉरिडोर, सेफ पैसेज जरूरी है ये बच्चों को यहाँ निकालने के लिए, जितने अभी बच्चे बाकी हैं जी। लेकिन ये वाली जो सीज फायर है यहाँ पर वोल्नोवखा और मरियोपोल, ये इधर यहाँ के लोगों के लिए जो रोस्तों में
जाएंगे जो रशिया का एक प्रोविंस है, सदर्न प्रोविंस है। पीके श्रीवास्तव सर, ये जो मेलिटोपोल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त संघर्ष हो रहा है, यहाँ पर क्या ऐसी वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग हैं वो खुलकर आए हैं, रूसी फौज के सामने आए हैं? क्योंकि अगर हम कीव की बात करें, बाकी इलाकों की, तो वहां जनता घबराई हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर क्या विद्रोहियों का ज्यादा गुट है या क्या वजह है? देखिए, यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो जनता है उनको ये पता है कि हमारे ऊपर किसी तरह का अटैक नहीं होगा और हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इसलिए जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये वीडियो किस उससे आया है उसका पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यहाँ ये कहना होगा कि ये इलाका हम समझते हैं कि रशियन इन्फ्लुएंस में है जी, जो ईस्टर्न यूरोप है। और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि डनेपर रिवर के इस तरफ का जो इलाका है जी, जो ये 1000 किलोमीटर ज्यादा की रिवर है जी, ये इलाका मोस्टली अगर आप इस पार्ट तक कहें तो मोस्टली रशियन इन्फ्लुएंस में है जी, और इसी को डॉनबास इलाका भी बोलते हैं, जहां पर ये हो रहा है कि उन्होंने रिपब्लिक में डिक्लेयर कर दिया है। रिवर की जो नीचे का हिस्सा है, रिवर के नीचे का, तो रिवर के ईस्टर्न साइड में जो भी है जी। लेकिन जो अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि जो सुबी का इलाका है जहां हमारे इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं, खार्किव का जो इलाका है जहां बहुत बमबारी हो रही है, यहां से सेफ मैसेज मिलना जरूरी है जो रूस की तरफ जा रहा है। कल रूस का ऑफर आया था कि हम 130 बसेस देने को तैयार हैं अगर यूक्रेन हमारा साथ दे, तो ये एक बात चल रही है। इलाका जो है ये तो रशिया के बेहद नजदीक, बेहद नजदीक है, यहाँ पर ये शहर गिरा भी दिया गया है, अगर अगर कैप्चर नहीं हुआ है उसको घेरा ही हुआ है।